एंड स्पेशली राहुल और हेली दोनों बहुत क्यूट हैं दे लुक क्यूट एंड देर ऑल्सो वंडरफुल पीपल आई लव अहनाज कैरेक्टर आई लव द स्टोरी ऑफ इश में श्रीवास्तव एंड यूर वॉचिंग मी ऑन फीफा फूज टी वी थोड़े से टाइम में मैंने कुछ ज्यादा ही uh, उथल पुथल मचा दी uh, बहुत क्यूट हैं दोनों बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं uh, पूरे सेट पे ही और uh, सारे एक्टर्स के साथ भी पूछ लो पूछ लोटि <laughs> है, मतलब है, है, है ना थोड़े से, ताँग ताँग में। में। है? में। थोड़े से टाइम में ही थोड़े से टाइम में मैंने कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल मचा दी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनफैक्ट मुझे भी आहाना का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा प्ले करने में मजा आ रहा है और वैम्प uh, वाली हरकतें आए नो सिर्फ ऑन स्क्रीन तक ही लिमिटेड है बट सारे को एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं एंड आई लव अहानाज कैरेक्टर आई लव द स्टोरी ऑफ इश्क में मर जावा uh, uh, शुरू में जब मैं आई एंड आई गॉट द ब्रीफ फ्रॉम ममता मैम uh, बहुत ही अच्छी स्टोरी है एंड वैन आई स्टार्टेड प्लेइंग अहाना मतलब अपने आप ही उसमें यू नो रम गए यू नो स्टोरी में पता ही नहीं चला सो आई आई नो नाउ वाई द फैंस लव इश्म मर जामा सो मच बिकॉज द स्टोरी इज़ टू गुड एंड ऑल द को एक्टर्स आर ऑल्सो ऑल द एक्टर्स आर ऑल्सो डूइंग इट वेरी वेल द डायरेक्शन टीम इज़ सो गुड सो ऑल इन ऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहाली के साथ उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा राहुल इज़ वेरी वेरी फनी हेली इज़ डैम क्यूट और उसकी उसका वो बर्थडे पे ऊपर से निंजा अवतार में वो जो कूदी है अपने बर्थडे पे दैट वाज आल्सो वेरी गुड बहुत क्यूट है दोनों बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आ, पूरे सेट पे ही और आ, सारे एक्टर्स के साथ भी एंड स्पेशली राहुल और हेली दोनों बहुत क्यूट हैं दे लुक क्यूट एंड आर ऑल्सो वंडरफुल पीपल किया <laughs> कि कि हाँ यार देखो, देखो ना बहुत गालियाँ पड़ी रिस्पॉन्स तो डेफिनेटली अच्छा ही था तभी पीपल वर यू नो सेइंग कि कहााना आहना दूर हो जाओ हमारे यू नो रिधमा से रिधमा रिधमा के बीच में मत आओ कबीर के साथ चले जाओ सो so, डेफिनेटली uh, 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 अच्छा रिस्पॉन्स रहा आहाना का uh, इसीलिए गालियाँ पड़ती हैं वैम्प्स को <laughs> <laughs> तो uh, आई एम श्योर फैंस को कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था दैट आई एम देयर बट एट द सेम टाइम वर हेटिंग मी बिकॉज कोर्स मैं उनके कपल के बीच में आ रही हूँ रेंश के बीच में आ रही हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था बट आई थिंक मुझे आना बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा थैंक यू ज आई नो सो हाँ ये मैंने पहले कभी नहीं मैंशन किया बट इट वॉज द सेम सेट इट इज़ द सेम सेट जो इश्बाज में था uh, वही सेट है हमारा इश्म मर जावा का एंड लकीली आई गॉट टू कम देर एंड एक्ट देर अगेन सो सून बट या वर्ल्ड इज सो स्मॉल आई थिंक मैं आगे भी मे बी कोई और शो होगा तो उस सेट पे आना बहुत पसंद करूँगी मतलब uh, बहुत दिल से जुड़ा है वो सेट uh, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं उस सेट पे। बहुत सारी यादें हैं लाइक मेमोरीज हैं एंड अमेजिंग अच्छी वाली मेमोरीज हैं सारे मेरे पुराने इश्कबाज के को एक्टर्स के साथ एंड वेनेवर हाँ अभी जब मैं इशम मरजावा में वहाँ शूट करने गई तो ईच एंड एवरी प्लेस पे मुझे देजा वो हो रहा था सीन्स uh, का देजावू हो रहा था यू नो ऑल द दबराए फैमिली का और ये राय सिंघानिया फैमिली थी तो यू you नो know, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ थी और मुझे काफ़ी जगह पर देजावू फील हो रहा था uh, सबकी याद भी आ रही थी बट देन uh, इसका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा इशम मर जावा का लेट्स लेट्स सी सी लेट्सीाना का वेट करते हैं कि कब वापस आएंगी एंड ऑफ कोर्स आएंगी तो शील बी बैक विद द बैंक एंड नहीं आएंगी तो फिर आहाना ने जितना किया है आई एम श्योर यू ऑल लव्ड द कैरेक्टर बिल्कुल बिल्कुल बहुत पसंद थैंक यू